नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPad Air 2020 Wi-Fi versus Apple iPad Pro 11 2021 Wi-Fi Plus Cellular का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही 9.75 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही 7.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPad Air Wi-Fi में 0.24 इंच जबकि iPad Pro 11 में 0.23 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो iPad Air Wi-Fi में 458 ग्राम जबकि iPad Pro 11 में 470 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPad Air Wi-Fi से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPad Air Wi-Fi में 10.9 इंचेस जबकि iPad Pro 11 में 11.0 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPad Air Wi-Fi में 1640x2360 और iPad Pro 11 में 1668x2388 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPad Air Wi-Fi में 81.07% जबकि iPad Pro 11 में 82.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPad Air Wi-Fi में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPad Pro 11 में 265 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPad Air Wi-Fi में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और iPad Pro 11 की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPad Air Wi-Fi में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और iPad Pro 11 की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPad Air Wi-Fi में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और iPad Pro 11 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPad Air Wi-Fi में Apple GPU 4-core graphics जबकि iPad Pro 11 में Apple GPU 8-core graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPad Air Wi-Fi में Apple Bionic और iPad Pro 11 में Apple मिलता है। बात करें RAM की तो iPad Air Wi-Fi में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4 GB की RAM मिलती है जबकि iPad Pro 11 में 4 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8 GB, 8 GB, 8 GB, 16 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPad Air Wi-Fi में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64 GB, 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iPad Pro 11 में 4 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128 GB, 256 GB, 512 GB, 2048 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों टैब में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों टैब में iPadOS V14 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPad Air Wi-Fi में 5 कलर्स जबकि iPad Pro 11 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPad Air Wi-Fi में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹50,900, 4 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹54,900 में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPad Pro 11 की तो उसमें 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹80,900, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹91,900, 8 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ ₹1,09,490,
16 GB रैम 2048 GB स्टोरेज के साथ 170,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो एप्पल iPad Air 2020 वाईफाई में दो फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें एप्पल iPad Pro 11 2021 वाईफाई प्लस सेल्यूलर की तो उसमें तीन फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें एप्पल iPad 10.2 2021 वाईफाई है, दूसरा लेनोवो टैब P11 Pro है, तीसरा लेनोवो योगा टैब 11 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE वाईफाई है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।